हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन सुपर टिप्स। सबसे पहले तो प्लीज़ इग्नोर माय फेस। एक्चुअली ये एक अर्ली मॉर्निंग शूट है। मैं अपने अपने हेयर्स को जो है ऑयलिंग करने जा रही थी और विंटर स्टार्ट हो गया है। कई कई जगहों पर विंटर्स जो है स्टार्ट हो गया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्या है कि पॉल्यूशन प्लस विंटर दोनों का मिक्सचर है। और विंटर स्टार्ट होते ही स्किन केयर, हेयर केयर, सारी की सारी रूटीन्स चेंज हो जाती हैं। तो आज मेरा था हेयर ऑयलिंग डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ऑयलिंग जो है वो आप सभी के साथ ही करती हूँ। और आप सभी को मैं बताऊँगी कि विंटर्स में अपने इन सुंदर और लंबे बालों की केयर आपको कैसी करनी चाहिए। बाल छोटे हों या फिर बड़े हों, हर किसी को अपने बालों से प्यार होता है। और कहा भी यही जाता है कि महिला की खूबसूरती, किसी लेडी की खूबसूरती उसके बाल होते हैं। तो विंटर्स जैसे शुरू हो गया है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं, यानी कि डूज एंड डोंट्स, और विंटर्स में किस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आपके बालों का ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब के बगल में भाई ये घंटी है, उस घंटी को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए मेरा ये खास वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले डूज और डोंट की बात कर लेते हैं, यानी कि विंटर्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। डोंट्स पे सबसे पहले आते हैं क्योंकि अक्सर हम वही करते हैं जो गलत होता है। विंटर्स में हमारे स्कैल्प पे जो है ड्राइनेस हो जाती है। विंटर्स में हम वार्म वाटर से नहाते हैं और ज़्यादा गर्म पानी से नहाने पर जो है हमारी स्किन में भी ड्राइनेस हो जाती है और सेम हमारे स्कैल्प पर भी। तो प्लीज़ इग्नोर हॉट वाटर। आप बस नहाएं तो वो एक वार्म वाटर हो या फिर इतना हो कि आप जो है आपके स्कैल्प जो है वो ड्राइनेस ना आए। गाइस, वाटर का जो एवरेज है वो इतना होना चाहिए, वार्मनेस भी और कोल्डनेस भी, कि आपको जो है ठंड भी ना लगे और वो ज़्यादा हॉट भी ना हो, यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ वार्म वाटर। तो हॉट वाटर को प्लीज़ इग्नोर कीजिए। अगर आप जो है हॉट वाटर से अपने हेयर्स को वॉश करेंगे तो आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस आ जाएगी। यूजुअली मैं सवालों में जो है रूसी हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम एक हॉट वाटर से नहाते हैं, कितनी भी ठंड क्यों ना आ जाए। अगर आपको आपके हेयर्स को वॉश करना है तो आप वार्म वाटर से वॉश कीजिए इंस्टीड ऑफ हॉट वाटर। सेकेंड थिंग ये है कि समर्स में हम ट्वाइस अ वीक अपने बालों को धोते हैं, मगर विंटर्स में आप अपने बालों को धोने का जो डेज हैं उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। यानी कि अगर आप ट्वाइस अ वीक अपने बालों को समर्स में धो रहे थे तो विंटर्स में आप जो है तकरीबन 4 दिन बाद ही अपने बालों को वॉश कीजिए। क्योंकि अगर आप विंटर्स में ज़्यादा अपने हेयर को वॉश करेंगे गाइस, तो इसमें ड्राइनेस आ जाएगी और आपके बाल टूटने लगेंगे। विंटर्स में टूटने की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो प्लीज़ इग्नोर कि आप जो है ट्वाइस अ वीक सिर्फ समर्स में ही वॉश करें, मगर विंटर्स में 4 से 5 दिन के बाद ही आप अपने बालों को धोएं। डूज करना क्या है? आपको अपने बालों को वार्म वाटर से ही वॉश करना है। यहाँ पर आपको आपके बालों को तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद ही जो है वॉश करना है, और बालों में कोकोनट ऑयल को इग्नोर कीजिए गाइस, क्योंकि ठंड में कोकोनट ऑयल जो होता है वो ऑलरेडी जम जाता है। हम उसको गैस पे जाके जो है मेल्ट करते हैं, और आप ये सोचिए कि आप गैस पे जाके तो मेल्ट कर रहे हैं, मगर जब आप उसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे तो वो आपके बालों में भी जम जाता है, जिससे जो है आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिल पाती है। तो आप लाइट ऑयल अप्लाई करें, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, ऐसे जितने भी जो लाइट ऑयल्स होते हैं अपने हेयर्स पे आप उन्हें अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर जो है अपने बालों पर विंटर्स में ऑयलिंग को जब मैं करती हूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल से करती हूँ। होपफुली गाइज यू कैन सी दिस,
मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रखा है और अब मैं उससे आपको ऑयलिंग करके दिखाऊंगी। ठंड में मस्टर्ड ऑयल, समर्स में कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, क्योंकि मैंने तमाम वीडियोस जो हैं आप सभी के साथ समर्स में कोकोनट ऑयल की भी शेयर की थी, किस तरीके से आपको ऑयलिंग करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने बालों को स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं, वो समर्स के लिए। अब विंटर्स में यूज ओनली मस्टर्ड ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या फिर किसी और ब्रांड का ऑयल जो लाइट हो। अगर आप हैवी ऑयलिंग करेंगे अपने हेयर्स पे या फिर कोकोनट ऑयल को अप्लाई करेंगे तो इससे आपके बालों में ना तो नरिशमेंट आएगी, ना ही स्मूथनेस आएगी, और आपके बालों में जो तेल है वो जमा जमा सा रहेगा। तो प्लीज इग्नोर, आप जो है मस्टर्ड ऑयल को ही अप्लाई करें। अब समर्स में हम यूजुअली क्या करते थे कि ऑयलिंग के अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब कैप्सूल को मिक्स करके लगा लेते थे, मगर विंटर्स में आपको सिर्फ जो है प्लेन ऑयल को लेना है और उसे अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। मगर उससे पहले आप जो है अगर ऑयलिंग करने से पहले अपने हेयर्स पे एलोवेरा जेल को अप्लाई करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली आपके हेयर्स जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए अब ऑयलिंग का प्रोसेस करते हैं, देखिए ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो है मैं ऑयलिंग करने से पहले एलोवेरा जेल को अपने नीचे वाले हेयर्स पे, यानी कि यहाँ पर जो हमारे एंड हेयर्स होते हैं, यानी कि यहाँ, मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल को अप्लाई करूँगी जस्ट लाइक दिस। आपको भी ऐसे करना है। अगर आपके बाल छोटे हैं, मेरे से ज़्यादा लंबे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ उतना ही एलोवेरा आपको लेना है। इससे आप खुद देखेंगे आपके बालों में शाइन आएगी, आपके हेयर्स जो हैं, अगर आपके हेयर्स में स्प्लिट एंड्स हैं तो वो सारी तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एलोवेरा बहुत अच्छा है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ही बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। मैंने एलोवेरा अप्लाई कर लिया है मगर मैंने स्कैल्प पे नहीं अप्लाई किया है। एज यू गाइस सी, मैंने यहाँ पर बस एंड पार्ट्स ऑफ हेयर में ही अप्लाई किया है। अब मैं ऑयलिंग करूँगी। गाइस, विंटर्स में कोई भी ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं, जो लाइट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, थोड़ा उस ऑयल को आप गर्म करके ही अप्लाई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा उसे गुनगुना कर लिया है। गाइस, ऑयलिंग इज डन, एक रफ सा मैंने बन बना लिया है। मेक श्योर कि आप जब इसे वॉश करें तो उससे पहले ये स्टेप आपको ज़रूर करना है। आपको एक वॉर्म वाटर के अंदर एक टॉवल को डालना है और अपने बालों को उस टॉवल से बांध लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप ये प्रोसेस देखेंगे। सो गाइस, मैंने क्या किया है, 15 मिनट्स के लिए इस ऑयलिंग पार्ट को छोड़ दिया, यानी कि अपने हेयर्स पे जो मैंने ऑयलिंग की है उसे रख के 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद एक टॉवल को वॉर्म वाटर में डाला और उसके बाद जो है इतना वॉर्म किया है कि मेरे हेयर्स के लिए जो बेनिफिशियल रहे, इतना गर्म भी नहीं किया है कि आपका हेयर्स जो है या फिर आपका हेड जो है वो जल जाए। उतना ही आप उसे वॉर्म कीजिए जितना आप सह सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ऐसे टाई अप कर लेना है, ऐसे बांध लेना है अपने हेयर्स पे, और ये प्रोसेस आपको रखना है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तक। उसके बाद आप अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिएगा। रिजल्ट आप खुद देखेंगे, मैं वॉश करके आपको दिखाऊंगी अब कि किस तरीके से मेरे बाल हेल्दी हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, स्मूथनेस आ गई है। तो देखिए किस तरीके से मेरे बालों में जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। आप भी इन स्टेप्स को ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप, मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और एज़ यू कैन सी कि ये काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ और सिल्की भी हो गए हैं। वॉश करने के बाद आपको आपके बालों में लगाना है सीरम। मैं यहाँ पर स्ट्रीक्स का सीरम लगा रही हूँ, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया है, आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा सीरम हम अपने हैंड्स पर लेंगे एंड जस्ट लाइक दिस
हम अपने हेयर्स पे ऐसे अप्लाई करेंगे जिससे हमारे बाल जो हैं शाइनी हो जाएंगे। हालांकि एलोवेरा जो मैंने पहले यहाँ पर अपने बालों में अप्लाई किया था उससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ही स्मूद हो गए हैं एज़ यू कैन सी। गाइज, अगर आप विंटर में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बाल भी स्मूद और शाइनी हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी भी लग रहे हैं टेक्सचर वाइज। सो गाइज, जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। सो गाइज, देखा आपने, मैंने यहाँ पर आपको जो है विंटर हैक्स कह सकते हैं आप, हेयर ऑयलिंग कैसे करना है। सो गाइज, देखा आपने, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके से विंटर्स में आप अपने बालों की केयर कीजिएगा, हेयर हैक्स कुछ बताए हैं, डूज और डोंट्स बताए हैं कि विंटर्स में ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर इसी प्रोसेस के साथ, इसी स्टेप बाय स्टेप जो है आप विंटर्स में अपने हेयर की केयर करेंगे तो बिलीव मी, आपके बाल जो है ना तो वो टूटेंगे, ना ही इसमें ड्राइनेस आएगी और आपके बाल स्मूद और शाइनी भी रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, डू सपोर्ट, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप सभी के लिए लेकर आ सकूं। ख्याल रखें, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मगर हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा जहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड है, वहाँ पर जाकर आप जो है क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी टेक केयर, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।